लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कड़ी सुरक्षा के बीच बिहार की 4 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। औरंगाबाद, गया, नवादा एवं जमुई के विभिन्न बूथों पर सुबह से ही लंबी कतारें दिख रही है। वोटरों में गजब का उत्साह दिख रहा है। कतार में महिलाओं की संख्या अधिक देखी जा रही है। युवा भी बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं और बूथ पर वोटरों के आने का क्रम सुबह 6 बजे से ही जारी है। कई बूथों पर 3-3 कतारें बनाई गई है, जिनमें 2 महिलाओं की और 1 पुरुष के लिए है। मौसम की बात करें तो माहौल सुबह से ही गर्म है। मौसम विभाग ने भी पूरे इलाके में लू चलने की बात कही है। ऐसे में तेज धूप और भीषण गर्मी के बीच आज का मतदान होना है। मतदान कर्मियों के सामने जल्द से जल्द मतदान की प्रक्रिया पूरी करने की चुनौती भी है। और लोकसभा के पहले चरण में 4 सीटों के लिए होने वाले मतदान के लिए 7,903 बूथों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बताया कि सामान्य बूथों पर सुबह 7 बजे से 6 बजे शाम तक और अति संवेदनशील बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। हमने ये सोच कर किया है मतदान की हम लोग की जरूरत जो है वो पूरी होनी चाहिए, जो मतलब जो भी है जरूरत वो पूरी। मैंने पहला मतदान डाला है बूथ नंबर 187। क्या सोच कर आपने किया है? वो महिला का विकास के लिए। आपने क्यों जरूरी समझा कि घर का काम काज छोड़ कर चलो पहले वोट? मेरा अधिकार है। मतदान किए हैं 187 बूथ में, जिला स्कूल में, और दूसरा मतदान भाभी हम लोग साथ में आधी आबादी महिला का विकास की ओर वोट किए हैं। भारत और आगे बढ़े और विकास करें, इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई चुन रहे मेरा बात, तो बिहार में जो महिला, गरीब, अति पिछड़ा, विकलांग, इसके लिए हम एक मांग करना चाहते हैं पहला मतदान करते हुए कि उसका बिहार में पेंशन 1,000-2,000 होना चाहिए। इसलिए बिहार बहुत गरीब राज्य है और माँ बाप कोई देखना नहीं चाहता है। अगर पेंशन उसका बढ़ जाएगा तो सब अपना जिंदगी सुरक्षित जी सकता है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।